नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 10 वर्सेस Moto G32 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 10 में 6.67 इंच जबकि G32 में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है जो कि Redmi 10 से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi 10 में 3.01 इंच जबकि G32 में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है जो कि Redmi 10 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 10 में 0.36 इंच जबकि G32 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 10 में 203 ग्राम्स जबकि G32 में 184 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Redmi 10 में 20:6:9 जबकि G32 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 10 में 6.7 इंचेस जबकि G32 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi 10 में 720x1650 और G32 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 10 में 82.33% जबकि G32 में 85.48% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 10 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि G32 में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 10 में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और G32 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 610 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB की रैम मिलती है जबकि G32 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Redmi 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि G32 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi 10 में Android V11 जबकि G32 में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi 10 में 6000 mAh जबकि G32 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi 10 में 3 कलर्स जबकि G32 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें G32 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi 10 में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है
जबकि बात करें मोटो G32 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G22 4G है, दूसरा पोको M4 प्रो है, तीसरा नोकिया G21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 9 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।